इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, एक बार फिर से क्यूबाइट नेटवर्क के अभियान का, मुहिम का असर हो गया है। सत्य और न्याय के प्रति समर्पित हमारा नेटवर्क असर आहिस्ता आहिस्ता दिखाने लगा है। कल हमने बात की थी, कल हमने मिलोट से सवाल पूछे थे कि पूरे देश की शंका का समाधान कीजिए, और आज मिलोट ने लगता है हमारी बात सुन ली और सारी शंका का समाधान हो गया। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नीलेश ओझा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी, जो कल हम लोगों ने बात उठाई थी, एक बार अपने दर्शकों से वो भी शेयर कर दें, और आज जो हुआ है वो किस आलोक में हुआ है? क्या ये माना जाए कि मिलोट ने हम लोगों की बात सुन ली है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो मतलब बहुत अच्छा, वैसे भी जस्टिस संजीव खन्ना साहब है ना, वो बहुत वन ऑफ द बेस्ट जजेस में से है, अच्छे तरह से डील करते हैं और वो ना कि इसके दबाव में आते हैं, ऐसा मतलब ऐसा परसेप्शन लोगों में है। अभी देखिए, गलतियां तो जो जज ने गलती नहीं की वो जज आज तक पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट में। अभी आवाज कट गया था शायद। नहीं, हाँ तो गलतियां तो थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन इन्होंने ये जितने जो भी जजेस है उसमें वन ऑफ द बेस्ट जज जस्टिस खन्ना साहब है, और अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनने वाले, तो उनके सामने आज मामला आया था। तो कल हमने जो मुद्दे उठाए थे हमारे डिबेट में, हमारे तीन चार मुद्दे थे, इसमें सबसे पहला मुद्दा था कि ये हर ऐसे बड़े केस और खास करके कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के केस, ये सीजीआई चंद्रचूड़ अपने पास क्यों ले लेते? तो उसका भी एक हुआ कि बाद में चंद्रचूड़ साहब ने कल स्पेशल बेंच बनाया, उसके हेड में संजीव खन्ना साहब का बेंच था, चंद्रचूड़ साहब उस बेंच में नहीं थे। ये एक पहला हमारा जो कंसर्न था वो एक इसमें एड्रेस हुआ है। दूसरा कंसर्न था कि जब उनका हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक वो सुप्रीम कोर्ट आ गए? तो ये बात जब स्टेट सरकार ऑब्जेक्शन ले रही है तो तब तो जब सरकार ऑब्जेक्शन ले रही है तो तब चंद्रचूड़ साहब ने उनको कहीं कब कर देना चाहिए था कि नहीं आप हाईकोर्ट ही जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम सुनेंगे, ठीक है। बाद में हमारा डिबेट आया तो बाद में आज जब मैटर बेंच के पास आया, जस्टिस खन्ना साहब के बेंच का, थ्री जज बेंच था, उसमें खन्ना साहब ने बहुत क्लियर कहा कि क्या आप यहाँ क्यों आए, जाइए हाईकोर्ट जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी कहने लगे ये मिलोट, ये एक मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है, सरकार को हटाने का षड्यंत्र है ईडी का, ऐसा वैसा सब। संजीव खन्ना साहब ने कहा कि भाई हाईकोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और जब उसका अधिकार है तो पहले अल्टरनेट रिमेडी आप उसको अवेल करो, बाद में ही इधर आने का। फिर ये थोड़ा बहुत बोलने लगे, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो खन्ना साहब ने क्लियर किया, देखो बोले विषय मुख्यमंत्री का और कॉमन मैन का नहीं है, ये कोर्ट सबके लिए समान है, सबके लिए खुला हुआ है। कल जो हम मुद्दा उठा रहे थे वही मुद्दे को एड्रेस किया कि सबके लिए समान है, अगर हम आपका एक केस सुनेंगे तो हमारे इस देश के सारे लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू करेंगे और हम उनको मना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप कॉमन मैन की तरह आप भी हाई कोर्ट में जाइए, ये उनको कह दिया। फिर और एक उनको जो झटका लगा है, तो अब मिस्टर सिब्बल और मिस्टर मनु सिंह रिक्वेस्ट करने लगे कि आप कम से कम ऐसा कर दीजिए, हाईकोर्ट को कहिए कि इसमें टाइम बाउंड में ये करो। बोले हम हाईकोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में हम क्यों हस्तक्षेप करेंगे, वो हाईकोर्ट डिसीजन लेगा, उसको उसको पता है कि मैटर में अर्जेंसी है नहीं है, तुम्हारा केस झूठा है सही है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हम उसको इंट्रोड नहीं करना चाहते, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आप जाइए चलिए। तो ऐसा करके उनका पिटीशन। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है, इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं।
एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।